दोस्तों ट्यूसडे का मुकाबला जो कि गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिलेगा, और ये मुकाबला काफी तक घमासान देखने को मिलेगा क्योंकि ये मुकाबला जो है वो अहमदाबाद के ग्राउंड में खेला जाएगा। और आपको पता है दोस्तों गुजरात टाइटंस जो है वो अपने ही ग्राउंड पे जीतने का प्रयास तो कर रही है, जिस प्रकार से केकेआर ने उसको अपने ही ग्राउंड में हराया, तो जाहिर सी बात है कि वो जीत के साथ उतरना चाहिए। और मुंबई इंडियंस भी दोस्तों लास्ट मुकाबला पंजाब के खिलाफ हार के आ रही, तो वो भी इस मुकाबले को जीतना चाहिए, तो काफी ज्यादा मोमेंटम सेट करने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि एक तरफ जो है वो रोहित शर्मा और एक तरफ दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि उसी टीम के खेलने वाले खिलाड़ी थे, तो एक तरफ दोस्तों हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से दोस्तों हार्दिक पांड्या उसी टीम के हिस्सा भी थे और अब उसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक तरफ उसके एक्स कैप्टन एक्स टीम होंगे, एक तरफ उनकी नई टीम होंगी और नए कप्तान खुद वो होंगे, तो ये थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, अजीब टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों रोहित शर्मा ईशान किशन वर्सेस हार्दिक राशिद खान देखने को मिलेगा आपको थोड़ा सा फाइट। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या वर्सेस आर्चर का फाइट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों वर्धमान साहब वर्सेस पीयूष चावला का आपको फाइट देखने को मिलेगा। तो रोहित वर्सेस हार्दिक पांड्या ओनली इन द सेकेंड टाइम आईपीएल में मैच हो रहा है इन दोनों के बीच। दोनों दोस्तों अगर बात की जाए दोनों डेब्यू एज ए कैप्टन हेड टू हेड अहमदाबाद में ट्यूजडे को करने जा रहे हैं आज। तो मुंबई इंडियंस जो है वो अपना लास्ट दो मैच हार चुकी थी, उसके बाद जो है तीन गेम लगातार जीती, फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट मैच जो है वो पंजाब किंग्स से भी इसने हार का सामना करना पड़ा। इसके दोस्तों सेवंथ पोजिशन पर जो है सिक्स वेरियस गुजरात टाइटंस जो है वो फोर्थ टेबल पर है, यानी मुंबई इंडियंस जो है वो सात नंबर पर है छः पॉइंट के साथ, गुजरात टाइटंस जो है वो चौथे नंबर पर है आठ पॉइंट के साथ। और आपने फोर पिक्स इस चैप्टर में फेवर बिटवीन टू टीम्स, तो मुकाबला काफी टक्कर का देखने को मिल सकता है मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच, क्योंकि दोनों यह मुकाबला हारना नहीं चाहेगी। पर दोस्तों मुंबई इंडियंस काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रही है, लाइक कैमरून गिन का बल्ला लगातार दो मैचों से चल रहा है, सूर्य कुमार यादव भी दोस्तों दो मैचों से फॉर्म में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई थोड़ी सी मजबूत नजर तो आएगी इस टीम में। इसके दोस्तों जिस प्रकार से फिनिश मिलता है तिलक वर्मा से टीम डेविड से कि बोला आज तक फिनिश करते मुंबई के लिए, और लाइक केरन प्रोडक्ट काम करते टीम डेविड, तो जाहिर सी बात है मुंबई इंडियंस थोड़ी सी मजबूत तो नजर आ रही है, जाहिर सी बात है। और पहले के मुकाबले काफी ज्यादा उनकी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी हो गई है, जिस प्रकार से दोस्तों टीम डेविड लास्ट तक मैच को जिताते हैं, जाहिर सी बात है उस दिन तो हाई स्कोर बन गया था पंजाब किंग्स के खिलाफ वो अलग सी बात है, बट दोस्तों अगर 180 बन जाता है 190 बन जाता है तो बड़ी आसानी से चेस हो सकता है। हालांकि हार्दिक पांड्या का कमी तो पूरा कर ही रहा, केरन प्रोडक्ट की कमी भी पूरा करेगी कौन, तिलक वर्मा और टीम डेविड, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुंबई टीम अच्छी नहीं आ रही। बट दोस्तों जहां तक गुजरात टीम की बात की तो गुजरात टीम की तरफ से भी दोस्तों आप जान ही रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करें मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की, तो लाइक चहल दोस्तों चावला दोस्तों जिस प्रकार से जब भी विकेट की जरूरत पड़ती है मुंबई इंडियंस को वो चावला को लेकर आते हैं, और चावला काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग करके दोस्तों एक विकेट निकाल कर तो कन्फर्म दे सकते हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के भी देते हैं कोई चावला। अर्जुन तेंदुलकर भले ही दोस्तों काफी ज्यादा पिटाए हों, जाहिर सी बात है क्योंकि वो युवा है तो पिटाएंगे ही, जाहिर सी बात है तो उनको नहीं भी चांस दिया जाए उससे अलग सी बात है, बट दोस्तों जिस प्रकार से जेसन वैंड्रॉप बॉलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों कैमरून ग्रीन को भी आप पावर प्ले में इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन काफी ज्यादा इकोनॉमिकल वो भी रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो एक तरफ सुमन गिल का बल्ला चूंकि थोड़ा बहुत चलता भी है नहीं भी चलता है, बट दोस्तों इस मैच में हो सकता है कि अहमदाबाद का ग्राउंड है उनका बल्ला भी जरूर बोलेगा दोस्तों सुमन गिल का बल्ला। इसके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस और अगर मुंबई इंडियंस पर थोड़ा सा कंपेयर किया तो गुजरात टाइटंस का थोड़ा सा पल्ला भारी, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप है बैटिंग लाइनअप जिस प्रकार से इसने लखनऊ को हराया है लास्ट ओवर में चाके मोहित शर्मा की बॉलिंग से, तो गुजरात टाइटंस थोड़ी सी मजबूत तो नजर आ रही है, ये बात तो है दोस्तों। जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक मोहम्मद शमी और राशिद खान दोनों लगभग 40 में से लगभग 6 मैचों में दोस्तों 40 विकेट निकाला, सुन सकते हैं दोनों मिल के दोस्तों 22 विकेट निकाला, तो ये काफी ज्यादा मजबूत कड़ी है गुजरात टाइटंस की मोहम्मद शमी और राशिद खान जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस हर एक मैच में करते आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा कर सकते हैं रोहित शर्मा के लिए कि इस बेसिस प्रकार की राशिद खान की बॉलिंग होती है और मोहम्मद शमी की बॉलिंग होती है पावर प्ले में ही दोस्तों मोहम्मद शमी विकेट निकाले, तो जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव इन तीनों के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोहित शर्मा जिस प्रकार की लास्ट ओवर में डेट ओवर स्पेशल बॉलिंग करी थी और जिस प्रकार से डिफेंड करके दिखाया था गुजरात टाइटंस को कहने की बात नहीं, लगभग की 4.66 का इकोनॉमी रेट आया था 9th ओवर में, सो सकते तो काफ़ी अच्छा मोहित शर्मा बॉलिंग भी कर रहे हैं,
तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखी जाए तो थोड़ा बहुत पल्ला भारी जो है वो गुजरात टाइटंस का ही मुझे इस मैच में लग रहा है। जिस प्रकार सुमन गिल और वर्धमान शाह अपने बैटिंग लाइनअप यानी गुजरात टाइटंस की तरफ से अहमदाबाद में बैटिंग करते हैं तो कहने की बात नहीं दोस्तों। लास्ट में दोस्तों डेविड मिलर हार्दिक पांड्या का तो जान ही रहे क्या वो करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर ले टीम न्यूज क्या क्या आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जोफ्रा आर्चर जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए बैक हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत मुंबई को मदद मिल सकता है डेट ओवर में। जिस प्रकार की जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करते हैं डेट ओवर में, थोड़ी बहुत अगर लास्ट में जिस प्रकार से पंजाब के खिलाफ हारी है, अगर नेहल बदेजा की जगह जोफ्रा आर्चर को अगर बैटिंग में चांस मिलता तो जाहिर सी बात है कि वो पीट पाट के जीता जरूर देते, बट दोस्तों उन्हें चांस नहीं दिया गया जिस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गुजरात टाइटंस के बॉलिंग प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सुमन गिल वर्धमान शाह ओपनिंग करेंगे, अप एंड डाउन हार्दिक पांड्या आ रहे हैं काफी दिनों से क्योंकि काफी समय से वो नीचे आते थे बैटिंग करने के लिए, पर दोस्तों लगातार दो मैचों से देखा गया है कि वो बैटिंग करने नीचे अप एंड डाउन आ रहे हैं। इसमें दोस्तों विजय शंकर होंगे, अभिनव मनोहर होंगे, डेविड मिलर होंगे, राहुल तेवतिया होंगे, राशिद खान होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, मोहम्मद मोहित शर्मा होंगे। 11वां प्लेयर दोस्तों कोई भी हो सकता है, लाइक जॉस लिटिल हो सकता है, नूर अहमद हो सकते हैं, तो ज़्यादा चांस दोस्तों क्योंकि जॉस लिटिल को चांस मिल सकता है इस मैच में क्योंकि काफ़ी अच्छा वो बॉलिंग करते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों जयंत यादव हो सकते हैं बार-बार खिलाड़ी। तो ये दबा दोगे दोस्तों गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 की। अब जहाँ तक मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, इसके साथ ईशान किशन के साथ कैमरून गिन बनडाउन काफ़ी समय से आ रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और मुंबई इंडियंस इस पर भरोसा भी करती है, तो आने पर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्चा किया, तो जाहिर सी बात है कि कैमरून ग्रीन का रोल तो बनता है कि वो मारपीट की जिता है। इसके दोस्तों चार नंबर पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, ऋतिक शौकीन, जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला, जेसन मैंडोप या रिले मेलदी, दोनों में कोई एक खेला ज़्यादा चांस जेसन मैंडोप खेलेगा। बारह बार खिलाड़ी जो नेहल बदिजा होंगे दोस्तों। अब कुछ स्टेटस एंड फैक्ट की बात कर ली जाए तो आपको बता दें मोहम्मद शमी जो दोस्तों 6 विकेट निकाल चुके हैं पावर प्ले में अभी तक और लगभग 61 डॉट बॉल डाल चुके हैं इस पेज में, सो सकते हैं आईपीएल में अभी तक जो मैच हो चुका है उसमें 61 डॉट बॉल डाल चुके हैं, सेकंड मोस्ट अमोंग बॉलर रहे इस आईपीएल में, काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर चुके हैं शमी। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि राशिद खान के खिलाफ रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, लगभग 29 बॉल में 43 रन बना है राशिद खान के खिलाफ कौन रोहित शर्मा ने, पर दोस्तों आपको बता दें कि लेग स्पिनर ने रोहित शर्मा को लगभग 6 मैचों में 3 बार आउट किया, तो जाहिर सी बात है कि राशिद खान दो रोहित शर्मा के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जहाँ तक बात की जाए सुमन गिल और शाह दोनों का पेयर दोस्तों हाईएस्ट स्टैंड इन द 48 रन है, सो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा पावर प्ले में इनका रिकॉर्ड नहीं है। मुंबई इंडियंस दोस्तों अभी तक जो है लगभग 16 सिक्सेस मार चुके हैं पावर प्ले में, जाहिर सी बात है थर्ड मोस्ट इन दिस आईपीएल, यानी आईपीएल में तीसरी ऐसी टीम हो गई जिसने सबसे ज़्यादा छक्का लगाया आईपीएल में, और टाइटंस जो है वो ओनली 5 मार चुकी है। तो पिच कंडीशन की जहाँ तक बात की जाए तो ये मैच दोस्तों मोटेरा स्टेडियम में खेला जा रहा है जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग गेम हो सकता है यहाँ फिर भी, क्योंकि लास्ट जो 3 गेम यहाँ खेले गए वो हाई स्कोरिंग खेले गए हैं, और आपको बता दोस्तों लगभग 175 का तो हाईएस्ट टोटल यहाँ बड़े आसानी से बन सकता है, और टेम्परेचर दोस्तों यहाँ आपको हाई देखने को मिलेगा 40 डिग्री टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है कि हाई स्कोर देखने को गेम आपको मिल सकता है, और लास्ट में अगर ड्यू आई तो वो भी चेस बड़े आसानी से हो सकता है इस ग्राउंड में, तो देखने वाली बात है कि मुकाबला जीतता कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस में देखा जाए मैच प्रेडिक्शन किया जाए तो कौन जीत सकते हैं मुकाबला, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अहमदाबाद का ग्राउंड है और हार्दिक पांड्या की कप्तानी है, और दोस्तों जाहिर सी बात है कि मुंबई इंडियंस भी अच्छी है, बट दोस्तों मैं जाऊँगा गुजरात टाइटंस के साथ, मुझे ऐसा लगता है गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों गुजरात टाइटंस का गढ़ है। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार से टीम का भी कंपेयर किया जाए तो गुजरात टाइटंस काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है मुझे, तो ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगा, तो देखने वाली बात होगी क्या होता है इस मुकाबले में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है क्रॉय गेमिंग तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।